तेरा मेरा एक पल दूर गवारा हे गाइज व्हाट्सअप वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो गाइज कैसे हैं आप लोग, होप सब बढ़िया होंगे और मजे कर रहे होंगे। तो गाइज आप लोग अपनी स्क्रीन पर एक वीडियो देखते हैं, कुछ इस टाइप की वीडियो अभी इंस्टाग्राम रील्स पर बहुत ज़्यादा वायरल हो रही है और मेरे पास यहाँ भर के मैसेज आ रहे हैं कि हम इस टाइप की वीडियो कैसे एडिट करें। तो फाइनली मैं वीडियो लेकर आ चुका हूँ और गाइज आज की इस वाली वीडियो में आपको बताऊँगा कि गाइज आप लोग कुछ इस टाइप की यहाँ पर वीडियो कैसे एडिट कर सकते हैं। तो वीडियो बहुत ज़्यादा मज़ेदार होने वाला है। अगर आप लोगों ने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दो। और गाइज आज का हाँ जी, तो आज की इस वीडियो को हम 500 लाइक का टारगेट रखते हैं और आशा करता हूँ कि आप लोग कंप्लीट करा दोगे। तो चलिए यहाँ पर सबसे पहले तो इस वीडियो को एडिट करने के लिए एक एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लेना होगा। इस एप्लीकेशन का नेम है एलिटमोशन। इस एप्लीकेशन का लिंक आपको मेरे इंस्टाग्राम पर देखने को मिल जाएगा। आप लोग मुझे इंस्टाग्राम पर मैसेज कर सकते हैं सेंड मी एलिटमोशन लिंक, तो मैं इस एप्लीकेशन का लिंक वहाँ पर आपको सेंड कर दूंगा। तो चलिए मैं इस एप्लीकेशन को यहाँ से ओपन करता हूँ। तो चलिए मैं अपने यहाँ पर देख सकते हैं, मैंने अपने एलिटमोशन एप्लीकेशन को यहाँ से ओपन कर दिया है। एंड गाइज ओपन करने के बाद आप लोगों को प्लस वाले आइकन पर क्लिक करना होगा। एंड प्लस वाले आइकन पर क्लिक करके आप लोगों को 9:16 के रेशो आपको सेलेक्ट करने के बाद आप लोगों को क्रिएट प्रोजेक्ट पर क्लिक कर देना होगा। अब आप लोगों को यहां पर प्लस पर क्लिक करना होगा। एंड प्लस पर क्लिक करने के बाद इमेज एंड वीडियो में आपको जाना होगा। एंड इमेज जाने के बाद यहां से आप लोगों को एक इमेज इसमें ऐड करना होगा। इस इमेज का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप जाके ईजिली से इस इमेज को डाउनलोड कर सकते हैं। तो गाइज़ आप लोग अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं मैंने ये इमेज ऐड कर दिया है। एंड इमेज ऐड करने के बाद अब आपको इसकी लेयर को यहाँ पर बढ़ा देना होगा। आपको इसकी लेयर को कम से कम यहाँ पर 8 या 9 सेकंड तक आप लोगों को इसकी लेयर को यहाँ पर कर देना होगा, ठीक है। सो गाइज अब आप लोगों को करना क्या होगा, इसकी लेयर पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आप लोगों को एक इफेक्ट देखने को मिल जाएगा। नीचे इफेक्ट वाले आइकन पर आपको क्लिक करना होगा एंड आप लोगों को ऐड इफेक्ट पर क्लिक कर देना होगा। तो जैसे गाइज आप लोग ऐड इफेक्ट पर क्लिक करेंगे, ऊपर की साइड यहाँ पर आप लोगों को इफेक्ट यहाँ पर सर्च ब्राउजर में सर्च करना है HUE HUE। यहाँ पर जैसे आप HUE लिखेंगे यहाँ पर ये इफेक्ट देखने को मिल जाएगा आपको ऊपर की साइड। तो गाइज आप लोगों को इस वाले इफेक्ट पर आपको क्लिक करना होगा एंड आप लोगों को स्टैंडर्ड सेटिंग पर क्लिक करके यहाँ पर ये इफेक्ट ऐड हो जाएगा। एंड इफेक्ट ऐड होने के बाद यहाँ पर आप लोगों को प्लस वाले आइकन पर क्लिक करना होगा। इसकी वीडियो के एंड में आपको फिर से प्लस पर जाके यहाँ पर एक एनिमेशन दे देना होगा एंड इसको आपको यहाँ पर 4x यहाँ पर आपको इसको कर लेना होगा। तो गाइज़ आप लोग अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं मैंने इसको यहाँ से 4x कर दिया है एंड हमारी इमेज में भी हमारे फोटो में भी यहाँ पर इफेक्ट ऐड हो गया है, आप लोग अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। अब आप लोगों को यहाँ पर प्लस वाले आइकन पर क्लिक करना होगा एंड प्लस वाले आइकन पर क्लिक करके यहाँ पर आप लोगों को टेक्स्ट वाले आइकन पर चले जाना होगा एंड यहाँ से आप लोगों को अपने नेम का फर्स्ट लेटर यहाँ पर लिख देना है। तो गाइज अगर आप किसी और के नेम की वीडियो बना रहे हो तो आप लोगों को किसी और के नेम पर यहाँ पर फर्स्ट लेटर लिख देना है। तो मैं अभी यहाँ पर R लिख लेता हूँ एंड R लिखने के बाद यहाँ पर आप लोगों को ऊपर रोबोटर रेगुलर पर क्लिक करना है एंड आप लोगों को ये वाला इसमें फ़ॉन्ट ऐड करना है। एंड गाइज अगर आपके एलिटमोशन में ये फ़ॉन्ट नहीं आ रहा है तो इस फ़ॉन्ट का भी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, आप लोग उस फ़ॉन्ट को डाउनलोड करके इसमें ऐड कर सकते हैं। एंड गाइज अगर आपसे एलिटमोशन में फ़ॉन्ट ऐड करना नहीं आता है तो उस वीडियो का भी लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप लोग उस वीडियो को इजीली से देख सकते हैं। तो आप लोग यहां पर अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं मैंने यहां पर ये फ़ॉन्ट इसमें ऐड कर दिया है। एंड फ़ॉन्ट ऐड करने के बाद आप लोगों को इसको यहाँ से फुल स्क्रीन में कर लेना है, यानी कि आप लोगों को इसको जूम करना है एंड जूम करने के बाद आप लोगों को ओके पर क्लिक कर देना होगा। सो गाइज अब आप लोगों को करना क्या होगा, आप लोगों को अपने हिसाब से इसको अच्छे से एडजस्ट कर लेना है। तो जहाँ पर भी आपको अच्छा लगे आप लोग अपने हिसाब से यहाँ पर इसको अच्छे से एडजस्ट कर सकते हैं। तो मैं इसको अभी यहाँ पर फिलहाल में यहाँ पर इसको एडजस्ट कर दिया है एंड एडजस्ट करने के बाद आप लोगों को नीचे की साइड यहाँ पर कलर फिल वाले आइकन पर चले जाना होगा एंड यहाँ पर आप लोगों को इस वाले आइकन पर क्लिक करके इसको यहाँ से ट्रांसपेरेंट कर लेना होगा। तो जैसे आप ट्रांसपेरेंट करेंगे इसमें ब्लैक कलर यहाँ पर ऐड हो जाएगा। गाइज अगर आप लोग इसमें कोई और कलर ऐड करना चाहें तो वो भी आप लोग यहाँ पर कर सकते हैं, ठीक है। अब आप लोगों को यहाँ से बैक आना है एंड बैक आने के बाद आप लोगों को इसमें इफेक्ट ऐड करना होगा। तो वाले सो गाइज आप लोगों को इसके लेयर पर क्लिक करके आप लोगों को इफेक्ट वाले आइकन पर चले जाना होगा एंड आप लोगों को ऐड इफेक्ट पर क्लिक करके यहाँ पर ऊपर आप लोगों को सर्च कर लेना होगा ड्रॉइंग प्रोग्रेस, ठीक है। तो जैसे आप सर्च करेंगे यहाँ पर आप लोगों के सामने ये इफेक्ट आप लोगों को देखने को मिल जाएगा। तो आप लोगों को इसमें ये वाला इफेक्ट यहाँ पर ऐड करके स्टैंडर्ड सेटिंग पर क्लिक कर देना होगा एंड यहाँ पर गाइज ये इफेक्ट यहाँ पर ऐड हो जाएगा, आप लोग अपनी स्क्रीन पर देख ही सकते हैं। अब आप लोगों को एंड पर क्लिक करना होगा। एंड पर क्लिक करने के बाद आप लोगों को प्लस पर क्लिक करके जहाँ पर ये 100 लिखा है वहाँ पर आप लोगों को उसको 0 कर लेना है। यहाँ से गाइज आप लोगों को ये वीडियो थोड़ा ध्यान से करके देख लेना होगा। तो चलिए मैं इसको फटाफट से यहाँ पर 0 कर लेता हूँ। अब सो गाइज अब मैं करता क्या
सो गाइस अब आप लोगों को करना क्या होगा, इस लेयर के आपको थोड़ा सा पहले आपको आ जाना होगा, एंड पहले आने के बाद जो हमने 100 किया था, अब आप लोगों को उसको यहाँ पर जो हमने 0 किया था आप लोगों को अब उसको 100 यहाँ से फटाफट से कर लेना है। तो चलिए मैं इसको फटाफट से यहाँ पर 100 कर लेता हूँ। तो गाइज़ आप लोग अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं मैंने इसको 100 यहाँ पर कर दिया है, एंड हमारी यहाँ पर इसमें, तो गाइज़ आप लोग अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं हमारे टेक्स्ट में यहाँ पर इफेक्ट ऐड हो गया है। मैं आपको एक बार ये वीडियो प्ले करके दिखा देता हूँ। तो गाइज़ आप लोग अपनी स्क्रीन पर देख ही सकते हैं हमारे यहाँ पर हमारे टेक्स्ट में इफेक्ट ऐड हो गए हैं, आप लोग अपनी स्क्रीन पर देख ही सकते हैं। अब आप लोगों को यहाँ पर प्लस पर क्लिक करना होगा, एंड प्लस वाले आइकन पर क्लिक करके आप लोगों को इसमें एक PNG इमेज ऐड कर लेना होगा। तो उस PNG इमेज का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप जाके इजी से इस PNG इमेज को डाउनलोड कर सकते हैं। तो गाइज़ आप लोग अपनी स्क्रीन पर देख ही सकते हैं, आप लोगों को इसको यहाँ पर नीचे की साइड अच्छे से एडजस्ट कर लेना है, एंड एडजस्ट करने के बाद आप लोगों को इसकी लेयर में यहाँ पर एंड तक आप लोगों को आ जाना होगा। एंड तक आने के बाद अब आप लोगों को फिर से प्लस वाले आइकन पर क्लिक करना होगा, एंड आप लोगों को इमेज वीडियो में चले जाना होगा। इमेज एंड वीडियो में जाने के बाद यहाँ पर आप लोगों को एक इसमें एक ब्लैक स्क्रीन स्टार्स वीडियो आपको ऐड कर लेनी होगी, एंड उस वीडियो का लिंक भी नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए मैं उस वीडियो को यहाँ से फटाफट से ऐड कर लेता हूँ। सो गाइज़ आप लोग अपनी स्क्रीन पर देख ही सकते हैं मैंने यहाँ पर ये इफेक्ट वीडियो ऐड कर ली है, एंड वीडियो को ऐड करने के बाद आप लोगों को इसको सबसे पहले तो फुल स्क्रीन में यहाँ पर आप लोगों को इसको कर लेना होगा, एंड फुल स्क्रीन में करने के बाद आप लोगों को इसकी लेयर में आपको एंड में आना होगा। एंड में आने के बाद सबसे पहले तो आपको ये देख लेना है कि हमें अपनी वीडियो कहाँ पर रखनी है, एंड जो एक्स्ट्रा पार्ट है वो आप लोगों को कट करना है, यानी कि हमें वीडियो अपनी यहाँ तक रखनी है, एंड वीडियो पर क्लिक करता हूँ, एंड जो इसका आगे का पार्ट है वो कट कर देता हूँ। एंड कट करने के बाद आप लोगों को नीचे की साइड यहाँ पर एक इफेक्ट देखने को मिल जाएगा, आइकन देखने को मिल जाएगा जहाँ लिखा है ब्लेंडिंग एंड ओपेसिटी। तो आप लोगों को इस पर ब्लेंडिंग एंड ओपेसिटी वाले आइकन पर क्लिक करना होगा। क्लिक करने के बाद आप लोगों को लाइटन पर क्लिक कर देना होगा, एंड गाइज यहां से आप लोगों को बहुत सारे जो है यहां पर देखने को मिल जाएंगे, तो आप लोगों को यहां पर स्क्रीन पर क्लिक कर देना होगा। तो जैसे ही आप स्क्रीन पर क्लिक करेंगे जो उसका ब्लैक बैकग्राउंड था वहां से ये रिमूव हो जाएगा, एंड यहां पर आप लोग देख सकते हैं इसमें यहां पर ये इफेक्ट यहां पर ऐड हो गया है। आप लोग अपनी स्क्रीन पर देख ही सकते हैं हमारी वीडियो कितनी ज़्यादा ओशन यहां पर लग रही है। एंड गाइज अगर आप इसमें सॉन्ग वगैरह ऐड करना चाहते हैं तो सॉन्ग ऐड करने के लिए प्लस पर आपको क्लिक कर देना होगा, एंड आप लोगों को इमेज यहाँ सॉरी ऑडियो में जाना होगा, एंड ऑडियो में जाने के बाद यहाँ पर जो भी आपने अपने फ़ोन में सॉन्ग डाउनलोड कर रखे होंगे सारे सॉन्ग निकल कर आ जाएंगे, तो यहाँ से आप कोई भी इसमें सॉन्ग ऐड कर सकते हैं। तो हमारी वीडियो तो यहाँ पर रेडी हो चुकी है, मैं आपको एक बार ये वीडियो प्ले करके दिखा देता हूँ। तो गाइस आप लोग अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं हमारी वीडियो यहाँ पर कितनी ज़्यादा ऑसम लग रही है और कितनी ज़्यादा अच्छी लग रही है। हाँ जी, तो गाइज आप लोगों ने वीडियो तो देख लिया है कितनी ज़्यादा ओशम लग रही है, एंड वीडियो को सेव एंड शेयर करने के लिए यहाँ पर आप लोगों को इस वाले आइकन पर क्लिक करना होगा, एंड आप लोगों को एक्सपोर्ट वाले आइकन पर क्लिक कर देना होगा। तो जैसे ही आप एक्सपोर्ट पर क्लिक करेंगे ये वीडियो सेव होने लगेगा, तो ये वीडियो आपकी गैलरी में सेव हो जाएगा, आप लोग इस वीडियो को कहीं भी शेयर कर सकते हैं। तो आज की इस वाली वीडियो में तो मुझे आपको यही सिखाना था, होप करता हूँ कि आप सब बिल्कुल अच्छे से समझ गए होंगे। तो मैं मिलता हूँ आपको नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद और वंदे मातरम। और हाँ जी गाइज आप लोगों को स्टार्टिंग में मैंने एक चीज़ बोला था, इस वीडियो पर कम से कम 500 लाइक का टारगेट हम यहां पर रखते हैं, और आशा करता हूं कि आप 500 लाइक्स इस वीडियो पर करा दोगे। थैंक यू सो मच।